हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बहुत ही टेस्टी वाला नमकीन की रेसिपी बनाएंगे, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और यह क्रंची भी लगता है। इसे आप चाय के साथ ले सकते हो या ट्रैवल में भी ले जा सकते हो या बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो। यह आलू का बना टेस्टी सा नाश्ता फ्रेंच फ्राई के टेस्ट को भी पीछे छोड़ देता है। वीडियो पूरा देखे, स्किप ना करें। मैं एक बाई एक बहुत ही अच्छे से यह रेसिपी बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसे बना सकते हो। यह बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा आलू का चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता। इसे बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी 3 आलू बॉईल करके रखे हुए हैं। अगर ढेर सारा बनाना हो तो आप और भी आलू ले सकते हो। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज के 3 आलू बॉईल करके छिले हुए हैं। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ हम मोटे वाले में कद्दूकस कर लेते हैं। इस आलू में हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो झटपट हम सारे आलू को, यानी तीनों आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इस आलू में हम डालते हैं नमक। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच के बराबर चिल्ली फ्लेक्स डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून सूजी लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। तो चलिए इसे हम डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से मिक्स करने से पहले मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। आलू का मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका नमकीन बनाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, अब इसका हम नमकीन बनाएंगे। नमकीन बनाने के लिए यहाँ मैंने चकले पर डो का आधा हिस्सा लिया है, जिसे हम पेड़ा जैसा बना लेंगे और उंगलियों से फैला लेंगे। फिर उसके बाद हम बेलन की सहायता से इस तरीके से इस डो को फैला लेते हैं। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। इसे मैंने थोड़ा मोटा बेल लिया है। अब इसे हम चाकू की सहायता से कट करेंगे। तो साइड वाले भाग को थोड़ा हटा लेंगे हम। अब इसे हम चाकू की सहायता से पतले पतले कट कर लेंगे लंबाई में। तो इस तरीके से हम सबको लंबा में कट कर लेंगे। चाकू में आलू चिपक रहे हैं, इसलिए हम चाकू में कॉर्नफ्लोर पाउडर लगा लेंगे ताकि यह चिपके नहीं। यहाँ मैंने सबको लंबाई में कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे लंबे भी फ्राई करके ले सकते हो, पर इसे मैं बीच से कट कर लेती हूँ। यह थोड़ा छोटे पीस में हो जाएंगे। तो इसे मैंने कट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम यह नमकीन डाल देंगे। तो एक एक करके नमकीन को हमें डाल देनी है। इस नमकीन का थोड़ा अलग टेस्ट आता है, पर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे तलने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए।
और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे क्योंकि यह बहुत ही जल्दी तल जाते हैं और अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। यहाँ मैंने एक बार बने हुए सारे नमकीन को डाल दिया है। सारे नमकीन डालने के एक मिनट बाद इसे हम इस तरीके से छनौटे की सहायता से हिला देंगे ताकि सारे नमकीन अलग रहे। यह एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम पलट लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग पलट करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसका कलर हमें लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। इसका स्वाद रियली बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना पसंद करते हो तो इसे आप शाम के नाश्ते में भी बना सकते हो या इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, ट्रैवल में भी ले जा सकते हो। बारिश का महीना है, अगर आपको कुछ पकौड़ा भी खाने का मन करे तो उसकी जगह पे आप इसे बनाकर खा लो, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हो। तो बात करते करते यह नमकीन भी तल गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ऐसा ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा इस डार्क हमें नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इसी स्टेज में हम इसे छनौटे की सहायता से निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर निकल जाए। और इसे निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़े पर रख सकते हो या ऐसे भी, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं सोखता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, परफेक्ट नमकीन बना है। अब इसे हम निकाल कर रख लेते हैं प्लेट में। आप कोशिश करें कि इसे थोड़ा गर्मा गर्म ही खाएं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे ताकि यह और भी चटपटा हो जाए। बाकी जो बचा हुआ डो है उसका मैं बाद में तलूंगी। आप चाहो तो एक बार में ढेर सारा तलकर इसे यूज कर सकते हो। देखिए यह बहुत ही क्रिस्पी बना है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ और इसे हम गर्मा गर्म ही खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ, यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है। इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे भी आलू बहुतों को पसंद आती है तो इसे बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। तो अभी इसे हम स्ट्रीट स्टाइल सॉस और मेयोनीज के साथ खाएंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसे मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि यह कैसा बना है। ऐसे मैं इसे अक्सर बनाया करती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सॉस के साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगता है। रियली इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है, मुझे पूरा यकीन है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और इसे बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो एक बार आप मेरे तरीके से यह रेसिपी बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट जरूर करें कि आप सबको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स शेयर करती हूँ वीडियोस के, आप चाहो तो उसे वॉच कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।